मैं बिजूपुरी चेयरमैन दुकाना भोग भंडार आज होली की लाका लवासिया लख लख बधाई दिना। मैं प्रभु भगवान से प्रार्थना करता कि होली का त्यौहार सारे ने खुशियां भरे आवे, रंग भरे लिया, सारे परिवार खुश रहन, सारे खुशियां मनाते रहन। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत वधिया लग रहा, दुकाने का माहौल बिल्कुल बिंदावन जैसा लग रहा, जिसे बिंदावन होली होंगी है, बिल्कुल सेम स्टाइल की होली है, दुकाने हो रही है। भगवान गिरिजा जी बाहर आए हैं, रथ यात्रा कर रहे हैं और बच्चे अपने भक्तों होली खेलते पे है। बहुत आनंद का वातावरण है, बहुत आनंद का वातावरण। मैं पब्लिक कहाँगा कि ये रल मिले त्यौहार खुशियां का है, ये तो मिलन का त्यौहार है, सारे मिलते रहन। जिहड़ा देश विरोध है अपने नाल वो खत्म करके सारे ना प्यार जफी पाई जाए। आज होली का त्यौहार है और आपके माध्यम से सभी धर्म प्रेमी जनता को, पूरे भारतवासियों को श्री दुर्गयाना कमेटी की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं। ये होली का जो पर्व है, ये हमारे देश में, हमारे समाज में, ये इसका धार्मिक महत्व भी है, पौराणिक महत्व भी है, जैविक महत्व भी है, वैज्ञानिक महत्व भी है। और ये जो होली का पर्व है, आज के दिन जो हम रंग डालते हैं, सब ऑर्गेनिक रंग डालते हैं, फूलों से बना हुआ जो टेसू के फूल हैं, वो जो चमड़ी है, जो सर्दी की ऋतु से अब हम गर्मी की तरफ आ रहे हैं, जो हमारी चमड़ी के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, ऐसा विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। हमारे जो ऋषि मुनियों ने ये जो पर्व बनाए हैं, उसके पीछे में भले हमको पता ना हो, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य जुड़ा है। धार्मिक महत्व इसलिए है क्योंकि हमारे भगवान कृष्ण ने, हमारे भगवान रामचंद्र जी ने, गीत भी आता है, होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, और वृंदावन की तो होली विश्व प्रसिद्ध है। और इस दिन लाखों की संख्या में लोग वृंदावन भी जाते हैं, ब्रज भूमि में, अयोध्या जी में जाते हैं, और सारे देश में होली का पर्व मनाया जाता है। यहाँ भी दुर्गयाना मंदिर में, और कई सालों से, सैकड़ों सालों से ये होली का पर्व जो है वृंदावन की तरह आप देख रहे हैं, हज़ारों की संख्या में भक्त जो है, जो बच्चे हैं, नर नारी बच्चे सब, वृद्ध सब भी जो है ठाकुर जी के संग, क्योंकि ये ठाकुर जी आज के दिन बाहर आते हैं गर्भगृह से,